एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक दानपुर में स्थित कन्हेरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 50 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रजनी देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5500 की आबादी एवं 2200 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 450 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 38 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 200 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, खेल का मैदान, कन्या पाठशाला, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं चाहता हूँ मेरे गांव में अच्छे काम हों, सभी हों, जैसे कि बस स्कूल है, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, तालाब है और जितनी भी ट्रेल्स थी ना वो पहले से ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो बहुत सी बड़ी बूढ़ी ऐसी हैं वो ये कहती हैं भाई हमें हमारे लिए कुछ भी ना, 500 रुपये महीने से ही बहुत कुछ उनके लिए राहत मिल जाता है। बहुत से जिनके हाथ पैर मरे हुए हैं 10-20 आदमी भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे भाई पहले से मिल जाए, वो हो जाए आवास के लिए भी हम कह रहे हैं हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिलने चाहिए और बहुत सी समस्याएं। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव को अच्छा विकास हो, हम यही चाहते हैं हम पैसा का दुरुपयोग नहीं करें बिल्कुल भी। जो भी पैसा आवे उसे गांव में पूर्ण रूप से गांव में लगाएं और उस पैसा का सही उपयोग करें। वृद्धा पेंशन है और बड़े बूढ़े जो हैं, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवे जिससे कि हमारे गाँव का अच्छा विकास हो, स्कूल का विकास हो, सबका ही वो हो, यही है जो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये ज्यादा और बढ़िया बात है। हम तो यही चाहते हैं आपकी जब तो 3500-2500 थी जब हम जीते थे 2015 में, उसके बाद 3500 हुई है। अब 3500 के बाद में हमारे जो संगठन के जो आए थे वहाँ या दानपुर बिल ब्लॉक पर वो कह रहे हैं कि प्रधानों की कम से कम तनख्वाह 10,000 रुपये हो जाएंगे, ये बात धरी है हमारे संगठन के जो आए थे अध्यक्ष साहब आए थे उन्होंने धरी थी। तो उसमें सभी प्रधान ने बहुत सहयोग करो और हम तो ये कह रहे हैं कि जब बताऊँ हमारा कुछ तो खर्चा पड़े, इससे भी तो हमें मांग दो कुछ हमारी पूरी हो मैं भाई 10 तो कम से कम होनी चाहिए, 15 के करीब होनी चाहिए। जब लोकसभा के यानी कि सांसद जी के लिए मिलती है इतनी और इनके विधायक जी के लिए मिलती हैं तो हम भी तो प्रतिनिधि हैं, हम भी जनता ही ने तो चुने चुने, हम भी भारत तो आए नहीं है। तो हमारा भी यही है कि हमें भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारे भी खर्चे बहुत हो गए।